सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, मुझे ना पंचायत से, आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं, आप अपने स्तर से सर बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ मूल समस्याएं अभी तक फिलहाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस नव वर्ष के अवसर पर मैं अपने पंचायतवासी को, प्रखंडवासी को मैं अपनी तरफ से नमन और प्रणाम और सलाम करता हूँ। जी, आगे रहा समस्या तो जनता की आती रहती है। आज के दिन हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना खुद इस दरियापुर प्रखंड में चलकर आए थे जनता की समस्याओं को सुनने, और जो भी सुने भी हैं संभवतः लोग का निपटारा भी होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन देकर किया है। जनता भी उसे संतुष्ट हुए हैं मुख्यमंत्री जी की बातों से। मुख्यमंत्री जी एक एक करके कतारबद्ध सब जनता की समस्या को सुन रहे हैं। तो समस्या तो जहाँ आती है उसकी समाधान होते रहता है, और समस्या सधने वाला तो रहता नहीं है, एक समस्या के बाद एक समस्या आता है, धीरे धीरे समाधान होता है। हम लोग अभी भी प्रयासरत रहते हैं किसी की कोई समस्या हो जो हमसे बन पड़े उसकी समस्या को समाधान करने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल आगे सर, भी करते रहने का इच्छा है। बिल्कुल सर, आप आगे तो जनता मालिक है, जब चाहे जिसको ताज देगा, जब चाहे जिसका ताज हटा सकता है। बिल्कुल सर, कि नीतीश कुमार जी के आगमन से क्षेत्र में विकास के गति पे कुछ असर पड़ेगा या जैसा है वैसा ही रह जाएगा? नहीं, गति पर तो अभी तो नीतीश कुमार जी के आगमन से हमको लगता प्रशासनिक व्यवस्था इतना सुदृढ़ हो गया था, 3-4 दिन के जैसे हुआ कि हाँ आएंगे, वहाँ के बस्ती में जगमगाहट पैदा हो गया, सब कुछ प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गया। इस तरह के अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा करते रहेंगे तो कुछ अधिकारी पदाधिकारी जो सब लोग में एक खौफ पैदा रहेगा कि ना मुख्यमंत्री जी भी जांच करते हैं, जायज नजायज कुछ ना कुछ देखते हैं, और सब में सहमता रहेगा और लोग काम अच्छे ढंग से करेंगे, मेरा जैसा उम्मीद लगता है। स्वास्थ्य के मामला में अभी भी बहुत, और शिक्षा के मामला में भी अभी भी हम लोग बहुत पीछा हैं। और सबसे मेरा अपना संज्ञान है कि सबसे शिक्षा और स्वास्थ्य को ही आगे करने से देश आगे हो सकता है। शिक्षा सबसे बहुत ज़रूरी है, तो शिक्षा के कदम में तो हर जगह विद्यालय आंगनबाड़ी वगैरह वगैरह की व्यवस्था किया गया है जिससे हो सके, लेकिन अभी स्वास्थ्य में बहुत सा पीछे है। जैसे आज ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित आवेदन में दिया है कि यह मेरा मुजौना ग्राम जो है लगभग 15,000 आबादी से बना हुआ है, और 15,000 आबादी के लोग यहाँ के प्रखंड मुख्यालय दरियापुर स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं जिसकी दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर है, यहाँ से आने जाने में काफ़ी समस्या होता है। मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखित आवेदन दिया है कि संभव हो सके तो मुजौना में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाए। विकास को लेकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के जनता? मैं अपने जनता से यह अपील करते हैं कि सबसे विकास का लहर वह जो समय आजुल फाजुल में अपने समय इधर उधर डालता है चौक चौराहे पर, उसको अगर जो अपने बच्चों में समय डालेगा और बच्चे को शिक्षा को उत्तेजित करेगा और उसको अच्छे ढंग से शिक्षा को बढ़ावा देगा तो सबसे ज़्यादा विकास होगा। जब मेरे बच्चे शिक्षित होंगे, हम शिक्षित होंगे, तो सारी देश दुनिया की जानकारी रहेगी, मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और निश्चित रूप से जब मेरे बच्चे विकास करेंगे तो मेरा घर परिवार विकास करेगा, घर परिवार विकास करेगा तो मेरा पंचायत विकास करेगा, मेरा पंचायत विकास करेगा, मेरा प्रखंड करेगा, मेरा बिहार करेगा, मेरा देश करेगा।